नमस्कार, मैं शुभ प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आगामी लोकसभा चुनाव के पहले बिहार की सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। जी हां, कल की बात करें तो कल 15 अगस्त था, जहां एक तरफ पूरा देश जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, आजादी का जश्न मना रहा था, वहीं पर यह देखा जा रहा था कि सियासत जगत में भी काफी ज्यादा हलचल नजर आ रही है। यानी कि कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी ये जो मामला है शांत नहीं होता हुआ नजर आ रहा था। जल्द ही इंडिया की तीसरी बैठक होने वाली है, इसको लेकर भी सियासत खूब तेज है। सबसे बड़ी बात है कि कल प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक बात कही गई कि प्रधानमंत्री मोदी आखिरी बार लाल किले से झंडा फहरा रहे हैं, इस पर भी सियासत खूब तेज हुई। बताने की पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर नजर आए, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है जारी रहा। और इसी कड़ी में अब बताने की जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि ललन सिंह ने भी इस पर बड़ा हमला बोला है। ललन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से कई सवाल किए हैं और साथ ही उन पर कई आरोप भी लगाया है। ललन सिंह ने साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी से यह कह दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने नेताओं की गलतियों को उजागर नहीं करते हैं, साथ ही सहयोगी दलों के नेताओं पर कोई सवाल नहीं करते हैं और ना ही उन पर जवाब देते हुए कभी भी नजर आते हैं। यानी कि अहम सवालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागते हुए नजर आते हैं, इस तरीके की बड़ी बात ललन सिंह ने कह दी है। तो चलिए एक बार देखते हैं खबर को विस्तार से कि आखिर क्या है पूरा मामला, कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बार प्रधानमंत्री मोदी से आरोपी लहजे में एक के बाद एक कई सवाल किए हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर मंगलवार को निशाना साधते हुए कई सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार पर बोलते समय महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित अन्य राज्यों में बीजेपी और अपने सहयोगी दलों के नेताओं के ऊपर कुछ भी क्यों नहीं बोलती है, अपनी पार्टी के परिवारवाद पर आप क्यों चुप्पी साध लेते हैं। इसके साथ ही ये भी कहा कि महाराष्ट्र में कहा जा रहा था कि एनसीपी के नेताओं ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, अब उस पर कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा। वहीं उन्होंने अपनी पार्टी में परिवारवाद देखने की नसीहत देने की भी बात कह दी है। अंत में लालू यादव के पीएम मोदी पर आखिरी बार लाल किले पर झंडा फहराने वाले बयान का भी समर्थन किया है और साथ ही भाजपा को कई सवालों के घेरे में घेर कर कटघरे में खड़ा भी किया है और विदाई की बात भी कही है। बता दें कि इसके पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग और दरभंगा एम्स पर सीएम ने केंद्र को घेरा भी था। यानी कि आप साफ तौर पर सुन पा रहे हैं कि जिस तरीके से सीएम जो है हमला बोलते नजर आए थे केंद्र की सरकार पर, अब ठीक उसे तरीके से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अब इस पर लगातार सवाल किया है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में ला खड़ा किया है, एक के बाद एक कई सवाल दागे हैं और पूछा है कि आप अपने नेताओं से सवाल क्यों नहीं करते, अपने पार्टी के नेताओं के परिवारवाद पर आरोप क्यों नहीं लगाते, उसके बारे में कुछ क्यों नहीं बोलते, आखिर आप इस मसले पर बचते हुए नजर क्यों आते हैं। साथ ही ये भी कहा कि आपके सहयोगी दल के जितने भी तमाम नेता हैं आप उनके गलतियों पर क्यों नहीं बोलते, उनके गलतियों को उजागर क्यों नहीं करते। यानी कि एक के बाद एक कई सवाल ललन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से दागे हैं और यह भी बोला है कि जल्द ही बीजेपी का सफाया होगा। बीजेपी जिस तरीके का रणनीति अपना रही है, बीजेपी को ऐसा लगता है कि वो अपने सत्ता पर काबिज रहेगी, लेकिन आने वाले वक्त में जनता ये एहसास करा जाएगी कि बीजेपी किस गलत फहमी में है। जल्द ही इंडिया की बैठक होने जा रही है और इसमें तय हो गया है कि प्रधानमंत्री अगला कौन होगा और अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। बस इतने पे ही नहीं रुकेगी, बीजेपी को हम जड़ से सत्ता से बेदखल कर देंगे, ऐसा ललन सिंह ने कह दिया है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।